नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आयोग की तरफ से थोड़ी देर पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया पीसीएस मेंस 2019 के एग्ज़ाम को लेकर के, जिसमें सेंटर एक और ऐड करने की बात करी गई है। तो चलिए आइए देख लेते हैं ऑफिशियल न्यूज़ अभी की क्या है। सम्मिलित राज्य प्रौर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के संबंध में पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या फला 25 फरवरी 2020 के द्वारा उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के रूप में 2 जनपदों तथा प्रयागराज और लखनऊ में 01 जिले का चयन करने की अपेक्षा की गई थी। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोके जाने के दृष्टिगत उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र के रूप में जनपद गाजियाबाद को भी सम्मिलित कर लिया गया है। देखिए, गाजियाबाद जो कि नया सेंटर बनाया गया है, वहाँ भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे। जो अभ्यर्थी वहाँ के आसपास के होंगे, वहाँ उनके सेंटर को दिया जाएगा। उक्त परीक्षा का आयोजन प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद जनपद में होगा। अतः सम्मिलित राज्य प्रौर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019 हेतु सफल एवं मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे पूर्व में परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित जनपद को परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपना विकल्प दिनांक 28/7/2020 से 4/8/2020 तक आयोग की वेबसाइट पर क्लिक करके वहां पे जाकर के परिवर्तित कर सकते हैं। शेष अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र संबंधित जनपद पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही रहेगा। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के केंद्र परिवर्तन संबंधित प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इसमें एक बदलने की बात करी जा रही है कि आप कैसे इसमें बदल सकते हैं। देखिए, 28/7/2020 से 4/8/2020 तक आयोग की वेबसाइट पर जा करके अपने सेंटर को यथास्थिति देख सकते हैं, बदल भी सकते हैं। और बाकी कोई भी अपडेट समाचार छोटी सी बड़ी आयोग की तरफ से होती है, तुरंत चैनल के माध्यम दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।